उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा शासन से अनुमति के उपरांत दिनांक 21 अगस्त को वन रक्षक एवं वन जीवन रक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में उक्त भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जनपद में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रयाग पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। परीक्षा के दौरान राजस्थान इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे अनिल यादव पुत्र पंचम यादव निवासी सिंहपुर थाना चोलापुर जनपद को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं यूट्यूब से परीक्षा में सेन मारी करते हुए पकड़ा गया। जनपद मिर्जापुर में परीक्षाओं में नकल कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इस नकल कराने वाले गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल फॉरेस्ट विभाग की परीक्षा थी, इस परीक्षा के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था। ये लोग जो नकल कराने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी में एक ये डिवाइस बनाते हैं जो कि मास्टर कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा लगता है, और उस डिवाइस के अंदर ये सिम डालते हैं। साथ ही साथ कान में जो कैंडिडेट होता है, जो नकल करने वाला है, उसके कान में एक चिप डालते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नकल कराने वाले गैंग का एक आदमी बाहर होता है कहीं दूरी पे, वो जो प्रश्न पत्र होता है उसके उत्तर वो बताना शुरू करता है परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद में। कैंडिडेट जो बैठा रहता है परीक्षा हॉल में वो आंसर सुनता है और वो आंसर लगाता है। ये डिवाइस, इस डिवाइस को अंदर ले जाने के लिए ये लोग परीक्षा कराने वाली जो संस्था होती है उसके कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा के दौरान गेट पे चेकिंग फ्रिस्किंग होती है, इसीलिए ये डिवाइस साथ लेके नहीं जाते हैं। ये लोग परीक्षा सेंटर के अंदर बाथरूम में ये कैंडिडेट्स को ये डिवाइस देते हैं। ये डिवाइस देने वाले परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके कुछ कर्मचारियों के माध्यम से दिलवाते हैं और इस डिवाइस से फिर ये नकल करने का काम करते हैं। इस तरीके से जनपद मिर्जापुर में एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं, 3 ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुए हैं, 14 मोबाइल और 36,000 रुपए करीब नगद वो बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल्स बरामद हुए हैं, अन्य भी डिवाइसेस बरामद कराए गए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली कटरा कोतवाली की टीम जो हमारे सीओ सिटी साहब और एडिशनल एसएसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको 20,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। और जनपद मिर्जापुर में नकल किराने वाले ऐसे जितने भी गिरोह अगर फंक्शन करेंगे उन सबको पकड़ करके उनपे गैंगस्टर इत्यादि करके उनके संपत्ति कुर कराने का भी कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।